दाऊ जो उनके बड़े भाई का नाम था वो उनको परेशान कर रहे हैं। उसमें कृष्ण जी ने कहा है कि मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो। मैया मतलब माता जी, मोही दाऊ, दाऊ भैया मुझको बहुत खिजियाओ मतलब चिढ़ा रहे हैं। क्या कह के चिढ़ा रहे हैं? मोशे कहत मोल के लाए हैं। क्या कहते हैं? उससे कहते हैं कि मोल के लिए तू जसमित कब जायो और तुम कब यहाँ से जाओगे, मतलब तुम हमारी माता जी के लड़के नहीं हो, हमारे सगे भाई, तुमको हम खरीद के लाए हैं और तुम कब वापस जाओगे यहाँ से, ऐसा कहकर दाऊ जी को शिकायत कर रहे हैं अपनी मैया से, यशोदा से। कौन कर रहे हैं? श्री कृष्ण जी। क्या नाम बेटा? गुलाब। किस क्लास में पढ़ते हो? सिक्स। किस विद्यालय में पढ़ते हो? नेहरू इंटर कॉलेज। यहाँ पे मिड डे मील खाना मिलता है? डेली स्कूल आते हैं? हाँ डेली स्कूल आते हैं। क्या खाना मिलता है, किस किस तरीके से मिलता है? मिलती कभी कभार खीर मिल जाती, संडे 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 सोमवार को खीर मिलती है और रोटी सब्जी और तहरी बस। मंगलवार को क्या मिलता है? वो ही मिलता है, दाल चावल मिल जाए कभी। ज्यादातर क्या मिलता है? हैं? ज्यादातर क्या मिलता है? ज्यादातर तहरी मिलती ज्यादा। आप लोगों को फल मिलते हैं? नहीं। दूध मिलता है? नहीं। कभी मिलता है? नहीं मिलता। कभी नहीं मिला? फल दो तीन दिन मिले, पहले पहले बार मिले बस। अब कब से नहीं मिले? वो वही कितने दिन हो गए, ज्यादा ही दिन हो गए, एक दो महीना हो गए। रख लो। हमारा नाम लखन कुशवाहा। अच्छा साथ। किस विद्यालय का? नेहरू इंटर कॉलेज। यहाँ पर खाना मिलता है मिट्टी में, तो किस तरीके का खाना होता है, किस दिन क्या मिलता है? आज बनेगी, आज बन रहा है दाल चावल। कल क्या मिलेगा? कल सब्जी रोटी मिली था, सब्जी मिलता है केवल सोयाबीन में, सोयाबीन मिलती है। 20 बच्चों का खाना बनता है, जैसे तो पावा टमाटर, पावा आलू, पावा बैंगन डलते हैं हर चीज में। कैसा खाना होता है? तो खाना अच्छा लगता है थोड़ा, और खाने में टेस्टी कम होता है। पेट भर खाना मिलता है? पेट भर मिलता है खाना खाने के लिए। ये बताइए, आप लोगों को यहाँ पे फल मिलने का भी है और दूध मिलने का मिलते हैं? नहीं, कभी नहीं। फल मिलता है सोमवार को, मिलता है हफ्ते में एक बार, केवल केला मिलता है। कितने केले मिलते? एक नहीं तो दो बस। खाना ठीक होता है? खाना कभी कभी अच्छा बनता है, कभी कभी अच्छा नहीं बनता है। ज्यादातर क्या मिलता है? ज्यादातर चावल मिलता है हम लोग को। सर्दियों का मौसम है, ऐसे में लोगों को सर्दियों से बचाने के लिए चावल खाने के लिए मना किया जाता है। आप लोगों को चावल मिलता कैसा लगता है? अच्छा लगता है, कभी कभी अच्छा नहीं लगता है खाने में, कभी कभी खाते भी नहीं है मन होता तो। मेरा नाम सूरज अनुरागी है, मैं नेहरू इंटर कॉलेज में पढ़ता हूँ, कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। यहाँ पर मिड डे मील जो मिलता है आपको, हाँ, कैसा मिलता है, क्या क्या मिलता है? मुझे चावल मिलता है, तहरी और रोटी सब्जी मिलती है, और फल कभी कभी मिल जाते हैं। दूध का क्या है?
दूध नहीं मिलते कभी भी। ज्यादातर क्या मिलता है खाने में? तैयारी मिलती है ज्यादातर। पेट भर खाना मिलता है? नहीं, पेट भर नहीं मिलता। स्वाद की सब्जी भी नहीं बनती ना तहरी सही से बनती। कैसा टेस्ट रहता है? कई दाल बनती है कलर पतली और हिली तक नहीं रहती है, और सब्जी बनती है कलर पतली पतली एकदम। नहीं, क्या बनता है? मंगल को दाल चावल और बुधवार को खीर और सोमवार को सब्जी चावल, ऐसे ही मेरी जैसी बनता है तो खाने ऐसी बनाते रहते। डेली कितने बच्चों को खाना बनाया जाता है? जैसी बच्चों की एंट्री मिल जाती है हमको उसी खाना बनाते हैं। कभी 30 बच्चे, कभी 25, कभी 50 होंगे जब पेपर की टाइम ज्यादा आते होंगे। नहीं हमको नहीं है पता, हमको तो खीर बनाने के लिए दूध मिलता है तो खीर बनाते हैं। गैस सिलेंडर इस तरीके से सरकार दे रही है, उज्ज्वला योजना लोगों को दे रही है, यहाँ पे आप लोग माता चलने जाने के बार कहा है तो गैस ले आइए सर, गैस ले आइए, विशाल लेते हैं देने ले आते हैं। कहते हमको अभी हम ले आ नहीं पा रहे, हम अभी डालेंगे, हमको 3 साल हो गए बनाते बनाते कि गैस चिल्लाते चिल्लाते, लेकिन माता गैस नहीं लाते, बराबर लकड़ी से खाना बनाते हैं। आए दिन तो चूल्हे फूट जाते हैं ना, कच्चे चूल्हे हैं, खाना उसमें बनाते हैं हम लोग तो 2 दिन में 3 दिन में गोबर कंडा भी लगाते उसमें तापते हैं। हम कहते पक्के चूल्हे बनवा लो, कहते बनेंगे बनेंगे, विशाल देते बस। राजकुमार मानता नेहरू इंटर कॉलेज में MDM की शिकायत हमारे पास आई थी, उसमें जांच अधिकारी हमने नगर क्षेत्र के AVSA को बनाया था, और AVSA ने जो अपनी रिपोर्ट दी है उस रिपोर्ट में जिन बिंदुओं के तहत हम जांच उनसे चाहते थे उन बिंदुओं को उन्होंने इग्नोर किया है, तो हमने पुनः उनको पत्र दिया है कि उन बिंदुओं पर गहन जाँच करके वो हमारे पास रिपोर्ट दें और संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित कर दी जाएगी। जब सर जांच अधिकारी ने बिंदु ही छोड़ दिए हैं तो आखिर फिर दोबारा क्यों उसी व्यक्ति को जांच अधिकारी बनाया गया? नहीं, वो इसलिए उसकी स्थिति ये है कि कभी कभी अधिकारी जब जांच करने के लिए जाते हैं तो हर पहलू को मद्देनजर रखते हुए कुछ नजरअंदाज होता है, हो जाता है उनके यहाँ से, उसी के लिए ये कुर्सी बनी हुई है जो उनको रिमांड करे कि जो भी जांच करे वो पारदर्शी हो और जिसके भी जो भी उसके तहत में आ रहा हो उसके विरुद्ध कार्रवाई करने में आसानी हो।